केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे। दौरे के पहले दिन अमित शाह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत करेंगे। कश्मीर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में आपको बता दें कि मौसम ने करवट ली है, बर्फबारी के साथ जिससे घाटी में ठंड हो गई। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में यह बैठक होगी। सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ बातचीत की। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा निर्णय लिया। इन जमीनों पर अब सरकार गरीबों के छत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगी। सीएम योगी ने कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने के निर्देश दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पाकिस्तानी मित्र अरसुआ आलम का मुद्दा उठा दिया। इससे पंजाब की सियासत पर अरसुआ आलम को लेकर बवाल मच गया। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो अरुणा आलम के आईएसआई से संबंधों की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य में सभी सियासी दल समाज के वर्गों को साधने में जुट गए हैं। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने छोटे दलों के साथ मिलकर भागीदारी मोर्चा का गठन किया। आज उनके हापुड़ जेल के किठौर कस्बे में रैली होने जा रही है। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मारे गए 4 किसानों और पत्रकार के परिवारों के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए की चेक दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हमेशा काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और वो किसान समुदाय के साथ खड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा को लेकर राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने चिंता जताई। गृह सचिव ने पुलिस और सीआईडी सहित 7 अधिकारियों को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि राष्ट्र विरोधी तत्वों से मुख्यमंत्री को खतरा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश से बर्बाद हुई फसलों का आकलन पूरा हो चुका है। प्रदेश में करीबन 2,35,000 किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार ने इन किसानों को लगभग 77,88,00,000 रुपए जारी कर जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। बिहार के सीएम ने आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग के साथ पिछले 2 दिनों में वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा एवं फसल क्षति के संबंध में जानकारी ली। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली जानकारी की रिपोर्ट को लेकर हुई फसल क्षति का आकलन किया गया और उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, ये कहा गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में यूके के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यूके के विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ बैठक में आपको जानकारी दे दें कि सीओपी 26 पहल और भारत यूके रोडमैप, द्विपक्षीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रमंडल घोषणा और कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हर्षिल के लमखागा के पास 18 अक्टूबर को बर्फबारी और खराब मौसम के कारण 17 पर्यटकों और पोर्टर्स और गाइड सहित 17 ट्रैकर्स रास्ता भटक गए, जिसके बाद से ही वायुसेना की तरफ से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब तक सेना को बचाव अभियान के दौरान 11 शव बरामद हुए हैं। दिल्ली के लोग एक बार फिर से बारिश होने के आसार अब यहां पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में 23-24 अक्टूबर को फिर से बारिश हो सकती है। बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हल्के से मध्यम रहने के आसार हैं। बारिश का दौर फिर से शुरू होने वाला है जिससे ठंड में इजाफा होगा।
देश भर से आज कोरोना संक्रमण के 16,326 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर लगभग 1 लाख रह गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 17,677 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,33,32,126 हो गई। वहीं हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा उन्होंने की। आपको बता दें कि पंचकुला में आयोजित सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जेईई एडवांस परीक्षा 2021 के उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित किया गया। राजस्थान के बीकानेर में सचिव के कमरे में बंद होकर ठेकेदार ने आत्महत्या की धमकी दी। पेमेंट न मिलने पर फांसी दे रहा था और धमकी पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार किया। राजस्थान के त्योहारों के सीजन को देखते हुए मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बिक्री रोकने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार और मिष्ठान भंडार का आकस्मिक निरीक्षण किया है। राजस्थान के नागौर में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद न्यायालय में मृता पॉस्को कोर्ट में आरोपी की सुनवाई वहां पर की गई और फांसी की सजा सुनाई गई। राजस्थान के पाली में अस्पताल कार्यरत डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों का कोरोना वैक्सीन को 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने पर सामाजिक संगठन के लोगों ने उनका सम्मान किया। राजस्थान के भीनमाल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 55 लीटर अवैध हथकड़ी शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देशन में अवैध हथकड़ शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। राजस्थान के बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट ने प्रशासन गांव के साथ आयोजित शिविर का अवलोकन किया। वरिष्ठ अधिकारी गांव गांव पहुंचकर ग्रामीणों के लंबित कार्यों का निस्तारण कर रहे हैं। राजस्थान के पाली में एसएचओ और पुलिस टीम की तरफ से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में नाकाबंदी कर 4 युवक और 1 महिला को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों से धारदार हथियार और वाहन बरामद किए। राजस्थान के बीकानेर में किन्नरों ने प्रदर्शन किया। किन्नरों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर होली दीपावली पर नकली किन्नरों को किसी प्रकार का पैसा नहीं देने के पैम्पलेट छपवाकर बांटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वाल्मीकि कल्याण आयोग भी बनाएंगे। राजस्थान के बीकानेर में तकनीकी कर्मचारी के साथ पिछले काफी समय से पदोन्नति की मांग कर रहा है, जिसे आक्रोशित कर्मचारियों ने मीटिंग कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। राजस्थान के बीकानेर में अचानक जमीन धस गई। जमीन धसा देख ग्रामीणों ने हड़कंप वहां पर उनमें बच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने खेत के चारों ओर तारबंदी कर दी और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। राजस्थान के नागौर में सीएम अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर डेगाना पहुंचे, जहां प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के आयोजन में कई नेता मंच पर मौजूद रहे। उधर राजस्थान के पाली में एसएचओ और पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री यानी पटाखे के कुल 57 कार्टून दस्तयाब किए। राजस्थान के पाली में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। आरपीएससी का अधिकारी बताकर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं यूपी के बलरामपुर में टेम्पो ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। राजस्थान के नागौर में 35 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। राजस्थान के बीकानेर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शहर के लिए 5 नई फॉगिंग मशीनों की शुरुआत की गई। कर्नाटक के अथानी में सहकारी चीनी मिल में वर्ष के गन्ना सिंचाई कार्य को मिल के अध्यक्ष और शिवानंद भारती स्वामी जी ने हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक के तुमकुर में ईद मिलाद मौके पर दो समुदाय में हाथापाई ही हो गई और इस हाथापाई में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया। इसके चलते शहर के पूरे रास्ते और बाजारों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के देशों में ग्राम पंचायत में पाक्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन गांव के संघ का अभियान के बारे में देशवासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या अभियान में आने के लिए आह्वान किया गया। यूपी के जौनपुर में 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। इस दौरान एक दर्जन लोग मलबे में दब गए। जानकारी होने के बाद स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन राहत कार्य में जुट गए। झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदपुर बीजेपी नेता अभय सिंह ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर हमला बोला। अभय बोले, अगर मैं बाहरी तो इरफान अंसारी पाकिस्तानी।
हरियाणा के पानीपत में ऑर्गेनिक शराब की फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से परेशान लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं होने पर लोग धरने पर बैठ गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस स्मृति दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान करीबन दर्जनों यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें जिला पुलिस बांदीपोरा के कई रक्तदानकर्ता शामिल रहे। वहीं बिहार के जहानाबाद में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर नालसा द्वारा चलाई जा रही जागरूकता कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बिहार के बेतिया में पहली बार कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती को धूमधाम से मनाया गया, जिसका पूरा श्रेय वाल्मीकि प्रेस क्लब के सदस्यों की मेहनत को जाता है, जिन्होंने युवाओं के बीच महर्षि वाल्मीकि को याद कर उनकी यादें ताजा कर दी। राजस्थान के पाली में फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर को आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फर्जी सीबीआई इंस्पेक्टर रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों से वसूल रहा था जुर्माना। वहीं राजस्थान के जालौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 500-500 के जाली नोट्स के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 46,000 रुपए के साथ साथ जाली नोट और एक वाहन भी जब्त किया गया। बिहार के जहानाबाद में स्कूली बच्चों की तरफ से साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान की बूंदी में 16 से 30 अक्टूबर 2021 तक मेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत विशाल ऋण शिविर लगाकर विशाल स्तर पर सभी बैंक और गैर वित्तीय कंपनियां नागरिकों एवं ग्राहकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही है। तो वहीं राजस्थान के नागौर में मोबाइल शोरूम से 30 मोबाइल फोन चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि शोरूम मालिक ही चोरी करता था फोन। राजस्थान के आहोर में रोड नहीं टोल नहीं नाम से चलाया जा रहा धरने प्रदर्शन को 20 दिन हो गए हैं, लोगों ने चक्का जाम करने की बात कही है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली रेस्क्यू सेंटर में गलघोटू बीमारी से हिरण और नीलगाय के बच्चों की मौत हो गई। अधिकारी चिकित्सक को सूचना दी तो मौके पर पहुंचकर वन्य जीव के लिए टीके लगाए गए और उनकी जांच की गई। बिहार के पटना में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दौरे के तीसरे दिन पर है। पटना साहिब गुरुद्वारे वो पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु महाराज के दरबार पर उन्होंने मत्था टेका था और गुरु घर से आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया था। बिहार के पटना में पैसों के खातिर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। एक भाई ने दूसरे भाई का अपहरण कर परिजनों के पास से लाख रुपए मांगे। बिहार के शेखपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा चुनावी कार्य तेज कर दिया गया, जिसको लेकर लगातार वाहन आपूर्ति को लेकर कई प्रकार के मालवाहक वाहन को जब्त किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में टीकाकरण को लेकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ घर हो या ऑफिस, फैक्ट्री हो या बगीचा, हर जरूरत को पूरा करे ड्यूरेबल पाइप्स और फिटिंग्स। पाइप मतलब ड्यूरेबल पाइप। समीक्षा बैठक की और 31 अक्टूबर तक 17 प्रखंड के डोर टू डोर शत प्रतिशत टीकाकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बिहार के पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह आज पटना पहुंचे और वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर देश के 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा करने पर हेल्थ वर्कर्स को शुभकामनाएं दी। बिहार के पटना में उपचुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता की गई, कहा गया कि जिन बूथों पर कुछ कमियां पाई गई हैं उसको लेकर जांच कराई जाएगी। डीजल के भाव में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल विपणन कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के बाद देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सोने की कीमत बढ़कर 46,678 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिन में कीमत थी धातु की 46,520 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी की कीमतों में भी 180 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के साथ चांदी की कीमत 64,210 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। ईस्टर्न रेलवे ने कहा है कि 23 अक्टूबर की रात, आपको जानकारी दे दें कि लगभग रात को 11:45 से 24 अक्टूबर की सुबह 5 बजे तक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, यानी इस दौरान टिकट नहीं बनेगा, ना ही ट्रेन इंक्वायरी हो पाएगी, साथ ही दूसरी सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी। देश की प्रमुख एविएशन कंपनी विस्टारा ने अपनी यात्रियों को ताजा शाकाहारी खाना परोसने की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को यह बताने के लिए भी 90 दिनों का समय दिया है कि क्या वो स्थगन अवधि से संबंधित ब्याज राशि को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुनना चाहते हैं। एक पत्र के अनुसार इस विकल्प के साथ ही पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पेश किया इसमें जा सकता है। टाटा मोटर्स ने अपनी नई मिनी एसयूवी टाटा पंच लॉन्च कर दी है और हैचबैक के साइज की ये एसयूवी बाजार में 20 साल से ह्रास कर रही है। मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक कार स्विफ्ट के लिए कड़ी चुनौती बनने जा रही है।
अमेरिकी सेना ने सीरिया में ड्रोन हमले में अलकायदा के वरिष्ठ नेता अब्दुल हमीद अल मतर को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह हमला एक MQ-9 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करके किया गया। पाकिस्तान के लाहौर में एक रैली के दौरान भयंकर हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा में झड़प में पुलिस के 2 जवान समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल इस्लामिक संगठन तहरीक ए लद्दाख ने एक रैली निकाली थी। मांग की गई थी कि पाकिस्तानी सरकार उनके नेता साद रिज़वी को रिहा कर दें। रूस की साइबेरियन रिपब्लिक ऑफ टाइवा के मध्यम तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। अभी तक इस भूकंप के झटकों की वजह से किसी के हताहत होने की या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। अमेरिका की दिग्गज दवा कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन 5 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को सुरक्षित और करीबन 91% तक प्रभावी उस पर पाई गई है। अगर नियामक की तरफ से वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो बच्चों का टीकाकरण नवंबर के प्रारंभ से ही शुरू हो सकता है। ऐसे में क्रिसमस तक कुछ बच्चों का पूर्ण टीकाकरण भी हो सकता है। अमेरिका ने अपने यहां कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए तेजी से COVID-19 की बूस्टर डोज लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने देश में उपलब्ध सभी COVID-19 वैक्सीन का मिक्स एंड मैच रणनीति के तहत उपयोग करने को मंजूरी दे दी। आर्यन खान संग अनन्या के ड्रग चार्ट को लेकर दूसरे दिन की पूछताछ खत्म हुई, जिसमें ड्रग का सेवन करने पर अनन्या ने साफ इनकार कर दिया। अब अनन्या से सोमवार को फिर से पूछताछ होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का नया पोस्टर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में सलमान और आयुष शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपने परिवार के साथ वेकेशन मनाने के लिए मालदीव्स गए हुए हैं। कुछ दिन मालदीव्स में रिलैक्स करने के बाद शाहिद अपनी फैमिली के साथ मुंबई वापस आ गए। साउथ सुपरस्टार प्रभास आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाहुबली एक्टर ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। प्रभास ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से की थी। बॉलीवुड एक्टर मलाइका अरोड़ा आज अपना जन्मदिन मना रही है। मलाइका का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को महाराष्ट्र में हुआ था। अपने करियर टीवी चैनल्स MTV में बतौर VJ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। T20 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 12 राउंड के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं। ग्रुप वन के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। मुकाबला दोपहर 3:30 पर अबूधाबी में शुरू होगा। दोनों की टीमें अब तक एक बार भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी क्वालिफायर मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 8 से हरा दिया। क्वालिफायर मैचों में श्रीलंका की लगातार तीसरी जीत है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए नीदरलैंड से शर्मनाक प्रदर्शन किया और पूरी टीम 10 ओवर के खेल में ही सिर्फ 44 के स्कोर पर सिमट गई। नीदरलैंड द्वारा बनाया गया 44 रनों का स्कोर T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर रहा है। पहला 39 का स्कोर नीदरलैंड